और डेली ब्लॉगिंग के लिए ना मेरे हिसाब से कोई दूसरा पर्सन भी होना चाहिए जिसके साथ मैं बात करूँ। इसकी बात कर रहा था मैं, ये तो अलग लेवल का ऑफ रोड रहता है यहाँ पे थोड़ा सा। और आज भाई गोप्रो का नाइट टेस्ट भी हो गया। बाकी कपड़े धुलने सिखाता हूँ आज, आप कपड़े कैसे धुलते हैं, पानी में भिगाओ फिर सब डालो फिर ब्रश मारो। ओ भाई गाड़ी कैसे स्किट हो रही है यहाँ पे, शिट। ओके ओके गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:02 और आज है सैटरडे और अभी का मेरा कुछ भी प्लान नहीं है कहीं बाहर जाने का बिकॉज घर में बहुत सारे काम है यार, बहुत सारे। और पिछली कुछ वीडियो से ना मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन भी नहीं कह सकता, मतलब एक बात यहाँ पे बोली जा रही है, एक भाई बोले कि भाई डेली ब्लॉगिंग करो डेली ब्लॉगिंग करो। तो भाई देखो डेली ब्लॉगिंग करने के लिए मैं कर तो दूँ, बट वो ये कि मेरा जो शेड्यूल होता है ना पर डे का शेड्यूल वो सेम रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहता है। बट अगर कहीं मैं बाहर घूमने चलाऊँ तो तब तो टोटली डिफरेंट यार, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर में ही रहता है तो मतलब शेड्यूल सेम रहेगा तो मैं डेली ब्लॉगिंग मतलब क्या ही कर सकता हूँ आप बताओ। तो मतलब वही मेरा काम रहता है, सुबह को ब्रेकफास्ट बनाओ फिर लंच बनाओ डिनर बनाओ, मतलब ये चलते रहता है, कभी कभी कपड़े धुलो झाड़ू पोछा ये चलते रहता है। तो मतलब इसको अगर मैं दिखाऊंगा ना तो आप लोग सच में बोर हो जाओगे। और डेली ब्लॉगिंग के लिए ना मेरे हिसाब से कोई दूसरा पर्सन भी होना चाहिए जिसके साथ मैं बात करूँ, और अगर मैं आपसे ऐसा बड़बड़ाता रहूँ तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। वैसे मैं बोर तो करता नहीं हूँ आपको, बट फिर भी यार एक होता है ना अगर मैं किसी दूसरे से मस्ती कर रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और अकेले अकेले मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाकी अभी मेरा पहला काम है कपड़े धुलना, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना है एंड उसके बाद देखते हैं जो भी होगा। और कपड़े मेरे पे इतने सारे हैं ना, यहाँ देखो ये 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 इतने सारे कपड़े। और इतने सारे कपड़े क्यों हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन से बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है तो कपड़े धुल के कुछ फ़ायदा नहीं है। और अगर जब मैं कपड़े धुलता हूँ ना बारिश में तो इतनी तेज़ हवा चलती है ना, मेरी पैंट पता नहीं कहाँ के खेत में गिरी हुई और शर्ट पता नहीं कहाँ गिरी हुई, तो इसलिए मैं धोता नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी धूप है तो अभी धुल लेता हूँ और शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। और हाँ देखो, अगर आपको डेली ब्लॉगिंग देखनी है सच में, देखो आज वाले ब्लॉग में मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा दूंगा कि मैं डेली ब्लॉगिंग में क्या दिखा सकता हूँ, मतलब सेम यही नहीं दिखाऊंगा बट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बट थोड़ा सा झलक दिखा सकता हूँ कि क्या क्या आपको दिखाऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पे डेली ब्लॉगिंग देखनी होगी तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कर देना यार, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ या फिर डेली पोस्ट करूँ। और अगर मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा बिना तो डेली पोस्ट नहीं कर सकता यार, मतलब सच में यार डेली पोस्ट कैसे करूँगा यार, मतलब एक एक दो दो दिन बाद मुझे अभी सही लग रहा है। बाकी देखूंगा मैं, बाकी मैं मतलब काफ़ी टाइम पहले से सोच रहा था कि मतलब वीक में जो सैटरडे और संडे आता है ना उन दोनों दिन मैं यहाँ पे लगातार यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करूँ, बाकी जो भी होगा आपको तो पता चल ही जाएगा यार। एंड या अभी आपको डेली व्लॉगिंग दिखाता हूँ कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहले कपड़े ले जाते हैं ऐसे झोला भर के एंड इन्हें पहले भिगाने ले जाते हैं, ठीक है। बाकी गाइस ये रहा अपना स्वीट सा किचन, और देखो भाई कितना साफ किया है मैंने, मतलब व्लॉग बनाने के लिए नहीं है सच में, ठीक है। मतलब रात को ही साफ कर लेता है क्योंकि मैं भाई सफाई के मामले में बहुत आगे हो, बिकॉज मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार सच में, मतलब बहुत गंदगी। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो ये आपको ये दिख रहा है ग्राइंडर और ये इसका जार, और इसके अंदर देखो ये इसमें ना कल रात के ओरियो पड़े हुए। तो कल रात को मैंने सोचा था कि ओरियो शेक बनाऊंगा, और जैसे कल रात में ओरियो शेक बनाने के लिए हुआ ना, मतलब मैंने जार में ही ओरियो और थोड़ा सा चीनी डाली, भाई लाइट चले गई और आधा एक घंटे तक लाइट ही नहीं है, फिर मैंने प्लान ही कैंसिल कर दिया यार, फिर आज सुबह के लिए रखे हैं मैंने। तो अभी बनाते हैं ओरियो शेक एंड ब्रेकफास्ट में मैं अभी बनाऊंगा आपका पोहा। हाँ पोहा बना दो, क्योंकि पोहा मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाया और पोहा हेल्दी भी होता है, मतलब मैगी वगैरह से तो हेल्दी होता है। तो गाइस फाइनली अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है और टाइम अभी हो रहा है आपका 9:05। एक तो ना जब भी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ उसके बाद ना मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, मतलब ऐसा होता है कि बस सो जाऊँ मैं कुछ भी करके, बट जब कपड़े भिगाने के लिए रखे तो धोने तो पड़ेंगे यार। और जैसे कपड़े धुलने की बारी आई ना मौसम ना एकदम चेंज होने लगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। और कौवा भी देखो काम काम कर रहा है, काम काम। बाकी चलते हैं अभी कपड़े धोने, और कई सारे लोग तो भाई इतना बोर हो गए होंगे ना अभी तक, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बस मोटो ब्लॉगिंग देखनी पसंद होती है। बट यार ऐसे डेली मोटो व्लॉगिंग हमेशा तो मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता ना, तो मुझे ये भी ट्राई करना पड़ेगा, मतलब ट्राई क्या ही करना, मतलब ये भी थोड़ा सा मिक्सड अप करना पड़ेगा। एंड या जो भी होगा, बाकी कपड़े धुलने सिखाता हूँ आज आपको, है ना, कि कपड़े कैसे धुलते हैं, पानी में भिगाओ फिर सर्फ डालो फिर ब्रश मारो, जो भी होता है। फाइनली मैंने कपड़े धो
होती है एंड आज सारे काम अपने बहुत जल्दी निपट गए हैं। टाइम हो रहा है अभी 9:32, देखो तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैंने निपटा दिया। बाकी अभी का मेरा कुछ भी प्लान नहीं है बाहर जाने का, मतलब एक काम तो है मेरा बट दूसरा काम भी है वो जो काम शाम को होगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब शाम को बाहर चले जाऊंगा और थोड़ा सा मोटर व्लॉग भी कर लूंगा, बाकी देखते हैं जो भी होगा। अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ क्योंकि अभी अभी कपड़े धुल के आया ना, ब्रेकफास्ट भी अभी अभी बनाया, तो या अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बाकी शाम को मिलूंगा आपको पक्का। शाम को जाऊंगा, अभी मन नहीं कर रहा मेरा सच में जाने का, शाम को मिलेंगे पक्का। सो गाइस अभी मैं निकल चुका अपने घर से और टाइम अभी हो रहा है 5:51 और दिन से मुझे अभी टाइम मिला यार। मतलब दिन को भी मैं थोड़ा सा फ्री तो था बट दिन को गर्मी जो लग रही थी ना मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ यार, मतलब ऐसा पैदल निकलने का मन नहीं कर रहा था, तो स्कूटी में तो मैं क्या ही निकलता है। अभी शाम को जो वेदर होता है ना वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, जो मतलब उमस रहती है ना वो थोड़ा सा कम होती है, मतलब दिन के मुताबिक तो बहुत ही सही वेदर हो जाता है। अभी भी गर्मी है बट या उतनी नहीं है जितनी दिन में रहती है। और आज तो मुझे लग रहा है कि मेरा आधा व्लॉग तो कंप्लीट हो ही चुका है क्योंकि मैंने शायद से सुबह बहुत ही ज़्यादा व्लॉग किया, आई थिंक 4-5 मिनट का तो किया होगा, मैंने फुटेज चेक नहीं किया उतनी। और देखो आधा में से अब यहाँ पे मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है, वरना कई बार तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं भाई स्टार्टिंग ही मोटर व्लॉगिंग से करता हूँ और व्लॉग करता हूँ बस 1 मिनट का 2 मिनट का। तो मैंने आज से ठाना था कि मैं थोड़ा सा व्लॉग भी करूँगा, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा करूँगा। और यहाँ आगे भी एक रास्ता था यार जहाँ से मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, यही है आई थिंक, ये तो था ना, यही होगा शायद से। मेरे यहाँ नीचे जाने का प्लान तो था बट वहाँ आगे से मुझे नहीं जाना था यार क्योंकि वहाँ आगे चौक पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, तो ये रास्ता आई थिंक यहीं से था हाँ। बट यहाँ ना बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है यार, मतलब ऑफ रोड थोड़ा सा छोटा सा ही पैच है बट बहुत ज़्यादा यार, एकदम अजीब अजीब सा रास्ता। वो देखो ये नीचे वाली रोड, चलो रास्ता तो मुझे याद है बट ये देखो यहाँ से भाई यहाँ से बहुत ही गंदा रास्ता है यार, बट ये उसका मतलब 4 गुना कम होगा वहाँ से जैसे हमें घूम के जाना पड़ता है ना, इसकी बात कर रहा था मैं। ये तो अलग लेवल का ऑफ रोड रहता है यहाँ पे थोड़ा सा। ओ भाई गाड़ी कैसे स्किट हो रही है यहाँ पे, शिट शिट शिट, ओके चलो बच गया, एकदम संभल के चलो तो दिक्कत नहीं है। ये लो भाई आ गए हम उस रोड में, बस भाई 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगा। और जब हम घूम के जाते हैं वहाँ पे लगता है पूरा 4-5 मिनट का टाइम लगता है और उल्टा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। बट यहाँ की रोड मुझे पता नहीं है कब तक सही करेंगे यार, बहुत ख़राब रोड भी है यहाँ की। ये लो भाई पहुंच गए हम अपनी अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी डामर वाली रोड में, यहाँ चलते रहो आराम से, वहाँ ऑफ रोड आता है तो अब तो मेरा इसमें बिल्कुल भी मन नहीं करता रहा ऑफ रोड चलाने का। मैंने बहुत सारे व्लॉग में बोल दिया क्योंकि जो वाइब्रेशन हो रही है ना इसमें, मतलब पहले भी होती थी अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है सच में, मतलब 2 साल होने वाले यार स्कूटी को, इतना तो हो गई। और इसके 1-2 नट ना यहाँ आगे के थोड़ा सा लूज़ हो गए, वो मुझे टाइट कराने हैं जब मैं सर्विसिंग कराने जाऊंगा ना, मतलब नेट नहीं सॉरी एक इसका कुछ तो होता है ऐसा स्क्रू टाइप का, वो ही गायब हो गया इसका। अभी सूरज दादा देखो कहाँ है, एकदम वहाँ पे, और वहाँ जाते जाते मतलब आधा घंटे का टाइम लगेगा, आधा 1 घंटे का मे बी। जब जब मौसम एकदम क्लियर रहता ना तब तो भाई 8 बजे तक ऐसा उजाला रहता है एकदम अच्छा सा, और 8 बजे फिर अंधेरा हो जाता है। और जब थोड़ा सा भी बादल रहता है तब तो भाई 6 बजे ऐसा अंधेरा हो जाता है ना। इस वाले रूट पर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, इस वाले रूट पे मैं आया था 1-2 हफ्ते पहले, तो अभी मुझे ऐसा कोई लोकेशन दिख नहीं रही थी कि जहाँ शाम को मैं राइड करने जा सकूँ, मतलब ऐसे भीड़ भाड़ में भी जा सकता था बट शाम के टाइम यहाँ देखो घर से यहाँ आने आने तक इतना ट्रैफिक मिल गया, फिर अगर मैं कहीं मेन रूट पे जाऊँगा तो वहाँ तो क्या ही हाल हो जाएंगे मेरे। और इस वाले रूट पे आगे जाके एक ब्रिज मिलेगा मुझे, तो मैंने घर से सोचा था कि मैं उस वाले ब्रिज पे जाऊंगा एंड वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करूँगा शाम का, बिकॉज यहाँ मेरे कोई भी फ्रेंड वगैरह नहीं है यार, मतलब जो भी फ्रेंड वगैरह वो कॉलेज साइड है और कॉलेज से मेरा घर थोड़ा सा दूर है, तो मतलब स्कूटी में वहाँ जाके फिर मतलब ऐसा कोई खेलने वाला भी नहीं है यार। और यहाँ कोई वो भी नहीं है मतलब ऐसा कोई प्रॉपर ग्राउंड होता है ना जो जहाँ इंडोर गेम्स होते हैं आउटडोर गेम्स होते हैं, वैसा नहीं है। और कुछ टाइम पहले मैंने सोचा था कि मैं बैडमिंटन ज्वाइन कर लूँगा, बैडमिंटन क्लासेस ज्वाइन कर लूँगा, बट जो बैडमिंटन का जो होता है ना कोर्ट वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, 15-16 किलोमीटर दूर है यार, और जितना मेरा आना जाने में फ्यूल लगेगा उतनी तो शायद से मेरी बैडमिंटन की फीस ही होगी, तो जाके कुछ फ़ायदा नहीं यार, इसलिए मैंने बोला चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अपना ब्लॉग बनाने जाएंगे, अपना थोड़ा बहुत घूम लेंगे और क्या। ये वाला रूट अच्छा सा है सच में, यहाँ उतनी भीड़ नहीं रहती। और ये मुझे कुछ टाइम पहले मिला है, जब मैं ब्लॉग करने आया था उसी दिन मिला था मुझे ये वाला रूट, मतलब वैसे तो मैप में मिल गया था बट मैं आया इससे पहले एक ही बार था यार। यहाँ देखो धूप तो सब जगह बढ़ रही है बट यहाँ पेड़ की वजह से ना बिल्कुल भी धूप नहीं यार, जो कि काफ़ी अच्छी सी बात है। और अभी मैंने क्या सोचा है कि मैं आज से यहाँ पे डेली व्लॉगिंग करूँगा,
और सच में यार जो ये डेली व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने ना कुछ टाइम पहले भी सोचा था, कुछ टाइम मतलब 2-3 महीने पहले भी सोचा था, बट फिर वो ये उस टाइम पे कुछ रीजंस वगैरह हो गए थे तो डेली व्लॉगिंग कर नहीं पाया। और डेली क्या, यहाँ तो 2-2 दिन में यहाँ पे व्लॉग नहीं आ पाते। बट देखो यार डेली व्लॉगिंग ना वही बंदा कर सकता है जो मतलब हमेशा मतलब व्लॉगिंग ही करेगा। अब देखो हमारा क्या होता है कि कॉलेज हो जाता है, कभी एग्जाम हो जाते हैं, तो भाई हमसे तो डेली व्लॉगिंग होने से रही, तो डेली व्लॉगिंग तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट फिर भी आई विल ट्राई यार कि मैं यहाँ पे डेली व्लॉगिंग करूँ। डेली व्लॉगिंग तो मैं कर लूँगा सच में, मतलब इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। बट दिक्कत एक ये रहेगी कि मैं डेली पोस्ट नहीं कर पाऊँगा बिकॉज एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब मान के चलो 3-4 घंटे पूरा, मतलब मैक्सिमम 4-4.5 घंटे पूरा एडिटिंग से लेकर एक्सपोर्ट और रेंडर पूरा, ठीक है, फाइल सेव करने तक। बाकी फिर अपलोड वगैरह तो अलग बात हो जाती है। और ये रहा वो रूट, ब्रिज वाला रूट, बस यहाँ पे भीड़ ना हो ताकि मैं ब्लॉक कर सकूँ। आए हाय हाय भगवान ने मेरी सुन, एक भैया वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा, मुझे लगा भगवान ने मेरी सुन ली, बट चलो कोई बात नहीं। एक अंकल भी बैठा है यहाँ पे, आगे चल ले क्या थोड़ा, चलो पहले थोड़ा सा आगे चलते क्योंकि यहाँ आगे की लोकेशन ना ये जंगल वाला एरिया काफ़ी अच्छा सा है, वैसे थोड़ा सा ही चलेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, जितना हम कुछ टाइम पहले गए थे बस उतना ही जाएंगे। ये वाली लोकेशन देखो यार इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, इतनी ज़्यादा, मैंने यहाँ पे ना एक फ़ोटो ली थी यहाँ पे GoPro से, भाई इतनी प्यारी फ़ोटो आई थी ना मेरी, मतलब GoPro 9 की अभी तक की बेस्ट फोटो है मेरी वो सच में। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है तो आप Instagram पे चेक कर सकते हो, बहुत प्यारी फ़ोटो है वो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वहाँ ब्रिज पे मिलूँगा। भाई वहाँ ब्रिज पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ ना, जैसे मैं वहाँ पे घूम के आया उसके बाद वहाँ पे और दीदी लोग भी आए और सारे लोग भी आए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी यार। अभी मुझे यहाँ से लेना है लेफ्ट और उसके बाद हम अपने घर को निकल जाएंगे। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, अभी नहीं है, सुबह के टाइम पे यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है ना, मतलब पूरे आधा आधा घंटे का जब स्कूल टाइमिंग होती है ना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है भाई। यहाँ देखो अभी ना मैंने हेलमेट का वाइज़र नीचे किया था भाई, यहाँ ओ भाई साहब, रुको रुको मैं यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ा सा। भाई मेरे सामने देखो वहाँ पे मेला लगा यार, भाई वो कितना प्यारा सा लग रहा है वहाँ पे, वो जाइंट व्हील है ना और वो ड्रैगन वगैरह भी, भाई लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार। और यहाँ नीचे देखो कितने सारे लोग मतलब घूमने आए हैं, हाँ बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं, बट भाई वो मेला बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, वो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा पास है यार। मैं सोचूंगा कल वहाँ आने की, कल संडे है ना तो कल छुट्टी रहेगी, वैसे भी कॉलेज वगैरह नहीं है। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, मैंने अभी अपना वाइज़र नीचे किया था ना, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था और अभी मैंने ऊपर कर लिया वाइज़र, विंड नॉइज़ भी आ रहा होगा शायद से हल्का हल्का, तो अभी थोड़ा सा उजाला टाइप का लग रहा है यार, क्योंकि मेरा वाइज़र जो है ना वो है स्मोकी वाइज़र, ये डे लाइट के लिए सही है, नाइट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है यार, नाइट में इसमें कुछ भी नहीं दिखता सच में, मतलब बी ऑनेस्ट बताओ ना, नाइट को अगर हम वाइज़र लगा के जाएंगे ना भाई बहुत कम विजिबिलिटी हो जाती है इसकी, बहुत कम, मतलब ना के बराबर मान के चलो। भाई अभी बादल एकदम काले काले से हो गए, कुछ देर में बस बरसने वाले हैं जितना मुझे लगता है, बाकी मेरा घर तो बस पास आने वाला है तो अगर बरसेंगे भी तो उतनी टेंशन नहीं है। यार मार्केट देखो कितना अच्छा सा लग रहा है, लाइट लाइट भाई, यहाँ बाहर सिटीज़ में ना जैसे हमारे यहाँ टाउन में तो वहाँ मतलब ऐसा होता था कि 8-9 बजे मतलब मार्केट वगैरह बंद हो जाता था, बट यहाँ जैसे सिटीज़ में दिल्ली मुंबई देहरादून चाहे कहीं की भी सिटी ले लो भाई, यहाँ ना जो मार्केट रहता है असली मार्केट वो रात को ही खुलता है, और सच में चाहे कोई सा भी टाइम ले लो, चाहे कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई फंक्शन हो, रात को यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट खुलता है यार। और अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ये GoPro में ना थोड़ा सा लो लाइट का इशू है तो ये शायद से थोड़ा सा कम ही यहाँ पे शूट कर रहा होगा, मतलब कम शूट कर रहा होगा इन द सेंस कि लाइट इसमें बहुत ही कम आ रही होगी, बस जो गाड़ी की लाइट है जो शॉप्स की लाइट है ना वही मुझे लग रहा है कैप्चर कर रहा होगा। मेरी स्कूटी दिख रही है क्या? हाँ मीटर तो दिख रहा होगा इसका। और आज भाई GoPro का नाइट टेस्ट भी हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा टेस्ट तो हो ही गया यार क्योंकि अंधेरा तो हो ही गया है, मतलब ऐसा कि 90% अंधेरा तो हो ही गया है, बस 10% यहाँ पे अंधेरा होना बाकी है, उसके बाद पूरी रात हो जाएगी। सो देखो गाइस अभी अंधेरा भी हो गया और मेरा घर भी आने वाला है। सो ओके गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा सो प्लीज़ इधर लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट बिलो फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाई।